हम पहुंच जाते हैं श्री विष्णु गोपाल स्वामी टेम्पल। मैं देखता हूँ क्या सच में रियल गोल्ड। आपने पिछले मिनी ब्लॉग में देखा, हम सब बैठ जाते हैं जीप में तिरुमला जाने के लिए। लेकिन बालाजी मंदिर जाने से पहले हम सब घूमने जाने वाले हैं यहाँ के 6 मंदिर और सारे टूरिस्ट प्लेस। अभी हम सब पहाड़ के टॉप पर है। अभी जो आप पहाड़ देख रहे हैं, कुछ देर पहले हम वहाँ से आ चुके थे। ऊपर पहुँचते टूरिस्ट कारें और बस से देखने को मिलती है। इसका मतलब है हम मंदिर के काफी करीब है। ऊपर पहुँचते हमें देखने को मिलता है एक और स्वागत द्वार, लेकिन ये तो चेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पर हमें नीचे से निकाले हुए जीप के पासेस दिखाने पड़ते हैं। और उसी के बगल में देखने को मिलता है एक सुंदर सा गार्डन, जिसमें मैं देखता हूँ कि एक सुंदर सा रथ बना होता है। लेकिन वहाँ पर हम वापस आते हुए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है पवन चक्किया, जिसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी तिरुमला में पहुँचाई जाती है, जिसके वजह से तिरुमला शहर रात में भी काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। हमें जीप वाले भैया बताते हैं कि अभी हम जिस तालाब से गुजरे उसका नाम गोगर्भ डैम है, जिसका जो पानी है पूरे तिरुमला में पहुँचाया जाता है। और तालाब का पानी स्वच्छ रहे इसलिए कार की बॉर्डर बांध दी गई है, जिसकी वजह से लोग कचरा ना फेंके और पानी स्वच्छ रहे। फिर फाइनली हम सब पहुँच जाते हैं श्री विष्णु गोपाल स्वामी टेम्पल, जहाँ पर हम सब पोस्टी लाइन में लग जाते हैं। आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।